हेलो ब्यूटीफुल पेरेंट्स, बच्चों को बहुत देर तक घर के अंदर इंगेज रखना एक बहुत बड़ा टास्क है। एक्सेसिव स्क्रीन, जंक फूड और सुगरी फूड की वजह से बच्चों का पेशेंस और कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो गया है। बच्चे एक जगह टिकते ही नहीं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी इंगेजिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ जो बच्चों को लंबे टाइम तक इंगेज तो रखेंगी ही, साथ ही उनका कंसंट्रेशन एंड फोकस इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। पहली एक्टिविटी है रबर बैंड रेस्क्यू एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको बस ये मार्केट में इजीली मिलने वाली कुछ रबर बैंड चाहिए, और ये स्टैंड बनाने के लिए मैंने प्ले डो का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी नॉर्मल डो को भी यूज कर सकते हो। इस तरह से एक बर्तन में पानी डालेंगे और उसमें सारे रबर बैंड डाल देंगे। अब बच्चे को समझाएंगे कि सारे रबर बैंड को रेस्क्यू करके इस स्टैंड में डालना है। ये सिंपल दिखने वाली एक्टिविटी हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। आप देख सकते हो कितनी फोकस्ड है मेरी डॉटर। हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी इन्हांस होता है और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चा छोटा है तो आप ओनली रेस्क्यू सिखाओ, बस पानी से रबर बैंड निकाल के किसी और बर्तन में रखने की वाली एक्टिविटी कर सकते हो। थोड़ा एडवांस करने के लिए कलर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। एक स्टैंड में सारे एक ही कलर के रबर बैंड डालने वाला एक्टिविटी कर सकते हो। ये एक्टिविटी 8 साल तक के बच्चे कर सकते हैं। हमारी अगली एक्टिविटी है सिंक एंड फ्लोट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी भी बहुत ही सिंपल और बिना तामझाम वाली एक्टिविटी है। आपको बस कुछ एनिमल चाहिए जो फ्लोट होते हो और कुछ ऑब्जेक्ट जो सिंक होते हो। एक बर्तन में पानी भर देंगे। जब बच्चे को ऑब्जेक्ट देंगे तब उसको पहले क्वेश्चन करेंगे कि ये सिंक होगा या फ्लोट होगा। इससे हमारे बच्चों में क्यूरियोसिटी जागती है और कॉज एंड इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसीलिए ये एक्टिविटी भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है। सबसे बड़ी बात, बच्चों को लंबे टाइम तक इंगेज रखती है और एंटरटेनिंग तो है ही। सो इस समर बच्चों के डेली एक्टिविटी में ये एक्टिविटी तो ज़रूर रखें। हमारी अगली एक्टिविटी है अल्फाबेट रेस्क्यू एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ अल्फाबेट्स चाहिए जो बच्चों के खिलौने में होते ही हैं, और एक टोंग्स या स्टेनर जो हमारे किचन में होता है। बच्चों को पानी से अल्फाबेट रेस्क्यू करने होते हैं। इसमें बच्चों का फोकस इम्प्रूव होता है और पेशेंस लेवल बढ़ता है। बच्चों का फाइन मोटर स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाता है। ये एक्टिविटी अगर बच्चा छोटा है और टोंग से नहीं कर पा रहा तो आप चाय छन्नी वाली जो छन्नी होती है उससे भी करा सकते हो। मेरी डॉटर अब 4 साल की होने वाली है तो आप देख सकते हो उसको कितनी पेशेंस और फोकस की ज़रूरत पड़ रही है ये एक्टिविटी करने के लिए। वो बहुत ही फोकस्ड है, वो आराम से बैठ के ये एक्टिविटी कर सकती है। मैंने थोड़ा एडवांस करने के लिए इस तरह से एक लिस्ट बनाई है क्या क्या उसको पिक करना है वहाँ से। एक बार मैंने अच्छे से उसको समझा दिया एक्टिविटी क्या है, कैसे करना है, अब वो खुद आराम से कर लेगी। ये एक्टिविटी बच्चों को फोकस इन्हांस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इस तरह की वाटर एक्टिविटीज़ बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। मोबाइल, टीवी और स्क्रीन से दूर रखने के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है ये। 2 ईयर्स प्लस बच्चे ये एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, घर पर मिलने वाले सारे सामान हैं, कुछ तामझाम नहीं है, बहुत ही आपको कुछ मेहनत करनी नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगी ये सिंपल एक्टिविटी अपने बेबी को जरूर कराए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल में आपको एजुकेशनल एंड इंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेल्दी रेसिपीज, टिफिन बॉक्स रेसिपीज मिल जाएंगी। एक बार जाके जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर मेरी वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, किसी भी तरह से आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना। सो सी यू वेरी सून। नमस्ते, बाय बाय।